ऑडियंस ना जब सर पर बिठाती है तो बहुत प्यार से बिठाती है, लेकिन जब जूते मारती है ना तो बहुत बुरी तरीके से मारती है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा और आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस मैं यहाँ पर बनाती हूँ रिएक्शन वीडियो, तो मैं एक रिएक्शन वीडियोज़ लेकर आई हूँ आपके लिए। हो सकता हो आपको ये वीडियो थोड़ा सेंसिटिव लगे और काफ़ी लोगों को मुझे हेड भी मिल सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी बातों पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाली हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है रितु और गौरव के बीच में, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और सोशल मीडिया पर कैसे आग की तरह ये खबर फैली हुई है कि दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। परंतु हाल में ही रितु ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपना एक वीडियो शेयर किया है और उसने बताया है कि क्या बात बताई है। तो मैं आपको चलिए पहले वो वीडियो सुना देती हूँ, पर उसके पहले मैं कुछ बात बताने चाहती हूँ, जो उन्होंने कुछ खास पॉइंट उन्होंने जो कहे हैं अपने वीडियो में उसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि ये हमारा फैमिली मैटर है और अगर इस बात को मुझे बताना ही होता तो मैं इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो डाल देती। उन्होंने ये भी कहा है कि उस समय जो प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में जो मेरा ऑडियो वायरल हुआ है वो आवाज़ मेरी ही है। उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि वो मैं वहाँ गई थी, मैंने कुछ अपने प्रश्न रखे थे उनके सामने और वो आवाज़ मेरी थी। तो गाइज मैं इस जो उन्होंने कहा है कि हमारा फैमिली मैटर है, आप लोगों को इस पर नहीं बोलना चाहिए कि हम नहीं चाहते, तो ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये चाहती थी कि आपका ये फैमिली मैटर है और आप इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहती थी, तो आपको ये पता नहीं था कि जिस आश्रम में आप जा रही हैं वहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज की जो वीडियो और ऑडियो होते दोनों रिकॉर्ड होते हैं और रिकॉर्ड होने के बाद उन्हें अपलोड भी कर दिया जाता है। तो वहाँ पर पहले आपकी फ़ोटो दिखाई जा रही थी, फ़ोटो में साफ नज़र आ रहा था कि वो रितु राठी ही हैं और वो आवाज़ भी बिल्कुल आपकी है, बिल्कुल लोग पहचान गए थे। इसके अलावा वहाँ पर और भी भक्तगण थे तो उन्हें पता है कि रितु राठी हैं, आपको वो पहचान गए थे, इसीलिए आपकी वो चीज़ वायरल हो गई। अगर आप ये जानती नहीं होती कि वो आपको वहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है या फिर मना कर दिया जाता, जो कुछ भी होता, अगर आप ये जानती होती तो वहाँ पर आप अपने ऐसे क्वेश्चन नहीं करती। और आप जो थी बहुत सेड थी, अंदर से बिल्कुल टूटी हुई थी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किस रास्ते पे जाऊं, तभी आप गई थी उस आश्रम में। और फिर आप बाद में आके बोल रही हैं कि भाई ये मतलब जो वीडियो है इसको मैं वायरल नहीं करना चाहती थी और ये भी हमारा फैमिली मैटर है जो डाइवोर्स का है, इसमें पब्लिक को कुछ भी बोलने का हक नहीं है, हम दोनों को क्या करना है, हम दोनों कुछ समझदार हैं और अपने अपना पक्ष रख सकते हैं, तो इसमें ऑडियंस को बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये तो जनता जनार्दन है, जिस तरह आप 6 साल से यहाँ पर लगातार वीडियोस डाल रहे हैं यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आप कौन सी चीज़ नहीं शेयर कर रहे हो, आपके पर्सनल चीज़ें काफ़ी आप लोग शेयर कर रहे हो, फैमिली व्लॉग बना रहे हो कि रश्मि का दांत टूट गया और रितु मतलब जॉब पे जाना हुआ तो रश्मि रो रही है, रश्मि ने आइसक्रीम खाई, ये सारे वीडियोज़ आप लोग अपलोड कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें आप अपने व्लॉग में फैमिली व्लॉग में डाल रहे हो, और ये तो काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई है। तो जब ये बड़ी चीज़ है तो भाई, और आप इसके बोल रहे हो कि अगर जनता को पता कैसे नहीं चलती, चलना तो थी और चल गई तो इसके ऊपर पब्लिक क्यों ना बोले, आप कहाँ कहाँ से पब्लिक को मना करोगे, आप इंस्टाग्राम पे अपने कमेंट्स ऑफ कर दोगे, यूट्यूब पर आप वीडियो नहीं डालोगे कमेंट्स ऑफ कर दोगे, पर यूट्यूब पर जनता को जो एक कुछ टॉपिक मिला है बोलने के लिए और जो सही बात है वो तो जनता बोलेगी ही। फिर एट लास्ट में आपने आकर इंस्टाग्राम पर ये बात बोल ही दी कि हम लोगों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हम लोग अपना शॉर्ट आउट कर लेंगे, हमारा मैटर है। तो ये आप बात पहले भी बोल सकती थी कि हम लोगों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है या जो कुछ भी। फिर फाइनली ये है कि हाँ मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, पर जो हम लोग हैं हम लोग नॉर्मल हैं, हम लोगों के बीच में लड़ाई होती है, बहुत सारी फैमिली है, सबके बीच में लड़ाई होती है, सबके घर में लड़ाई होती है, पर हम लोग जब ब्लॉगिंग नहीं करते हैं और हम इतने वायरल भी नहीं हैं, इतने फेमस भी नहीं हैं, आप तो भाई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो और फ्लाइंग विस्ट के 6-8 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लोग उनको कितना प्यार करते हैं, अपना एक आप लोगों को आइडियल मान रखा था कि हाँ इन दोनों की तरह ही बनना है, पर बताते हैं कि कैमरे की सामने की लाइफ और कैमरे की पीठ पीछे की लाइफ बिल्कुल अलग होती है, और आज ये बात साबित हो गई, क्योंकि हम आपको जैसा कैमरे पर देखते थे और उसके पीठ पीछे क्या चलता था कैमरे के वो हम लोग नहीं जान पाए। तो यहाँ पर बस यहाँ पर ये मैं बोलने के लिए आई हूँ कि भाई अगर आप ये चाहती हैं कि भाई जनता ये सारी चीज़ें हमारे खिलाफ़ ना बोले, उल्टे सीधे YouTube पर ब्लॉग ना बनाए जाएं, सोशल मीडिया पर हमारी किरकिरी ना हो हमारे रिश्ते की,
तो अब ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं रोक पाएंगे, किसी भी हालत में आप नहीं रोक पाएंगे। हाँ ये जरूर हो सकता है कि अब आप लोग दोनों लोग सामने आओ और ये बोल दो कि नहीं हम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है या फिर हम लोग अलग होना चाहते, कुछ भी एक डिसीजन अगर हो जाता है तो शायद पब्लिक शांत बैठ जाएगी और धीरे धीरे करके आपकी इस बात को भूल जाएगी। तो मैं चलिए आपको यहाँ पर वीडियो दिखाती हूँ, सुनवाती हूँ कि क्या वीडियो था इंस्टाग्राम पे जो रितु राठे ने अपलोड किया था। अगर मतलब उसको पब्लिकली प्लेस करना होता तो माय डियर रितुज आर्मी, आई हैव इंस्टाग्राम टू अनाउंस। एक पति पत्नी के बीच में बहुत ऐसी बात हुआ जो छुप सके होगी, कोई बात यार छुप गई इस बार उसके भी और मेरे भी, उसने लगा वो सही मैंने लगा मैं सही, अड़ गया वो भी मैं भी अड़ गई। बट डज दैट मीन कि आज आप मुझे बताओगे व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज? ये सोशल मीडिया छोड़े ना मैंने 1 साल हो गया, आई डोंट रिग्रेट इट। आपने यहाँ पर देखा कि रितु राठी ने क्या बोला है। रितु राठी ने जो अपने मन की बात है, दिल की बात है, वो सारी बता दी है। और इससे 1 साल पहले ये लोग भी गए थे प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में और इन्होंने अपने मतलब पूछा था कि पति पत्नी में 7 जन्म का रिश्ता होता है, कैसा क्या है, उस सारे चीज़ों के बारे में बात करी थी। और आज साल भर बाद वो रिश्ते को किसकी नज़र लग गई, हम तो यही कहेंगे शायद हंसते खेलते परिवार को या रिश्ते को नज़र लग गई। अभी कौन सी क्या चीज़ें हैं हमें नहीं पता है, वो बात सही है, इनका ये पर्सनल मैटर है और फैमिली मैटर है, पर हम तो यही चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि दो बच्चियों को मम्मी पापा का प्यार चाहिए और दोनों का साथ में ही चाहिए। आप दोनों के अलग होने से उनके फ्यूचर पे और उनके माइंड पे काफ़ी कुछ असर पड़ता है जो बच्चे शायद दिखा नहीं पाते और जता नहीं पाते। तो हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। आप दोनों खुद समझदार हैं तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम है जो कुछ है उसको अच्छे से शॉर्ट आउट कर लो और फैमिली को साथ में लेकर चले तो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो अगर गाइस अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री राम।